सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, वर्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है एक्चुअली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, लेकिन मैं आईयूपीएसी थोड़ा सा बाद में ले रहा हूँ, उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ जो कि है ईएएन रूल। कुछ सोच समझ के टॉपिक को पहले ले रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को आईयूपीएसी थोड़ा सा बाद में सिंपल होगा, पहले ये पता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ईएएन रूल। अब ईएएन का मतलब होता क्या है? ईएएन का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इसे बोलते हैं ईएएन रूल। ये रूल क्यों दिया गया? ये रूल इसलिए दिया गया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड की जा सके, ये जब क्वेश्चन आया तो फिर ये रूल सामने आया, ये रूल प्रपोज किया गया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो अगर उसका तुम्हें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो ईएएन रूल चेक करो, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा वो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा क्या होता है ईएएन रूल? तो सिंपल सा ईएएन रूल का डेफिनेशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल मैटर एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल मैटर एटम। इसका मतलब क्या, जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम हो उसके सराउंडिंग जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, उसी को बोलेंगे अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होगी? ईएएन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होगी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। अभी ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम? तो उसका फॉर्मूला दिया गया है ईएएन इक्वल्स टू, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला एकदम ही सिंपल है, जेड माइनस एक्स प्लस वाई। जेड का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें हर एक के मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ किया गया है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सी एम ए का मतलब क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद में एक्स, एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ सी एम ए, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। एक्स का मतलब होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब बचा वाई, वाई का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, ये होता है जेड एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ की। जेड का वैल्यू क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एक्स का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एंड वाई का मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। अभी जेड जो है ये तो फिक्स होगा, मतलब जो भी तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम हो, आयरन हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, प्लेटिनम हो, जो भी तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम हो उसका वैल्यू तो फिक्स होगा, एटॉमिक नंबर तो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा? एक्स। ये वैल्यूज वेरिएबल है, चेंज होती रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये तुम्हें काउंट करना आना चाहिए। कैसे काउंट करते हैं ये मैं सिखाऊंगा। उसके बाद बचा वाई, वाई का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। इसका मतलब क्या, कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड जो एक बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, बराबर। तो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड की बात की जाए तो एक मोनोडेंटेड लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? दो। तो जितना भी नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड होगा मल्टीप्लाई बाय टू कर देने का। अगर वो बाइडेंटेड होगा तो क्या करोगे? एक बाइडेंटेड दो डोनेट करता है, बराबर। तो अगर दो बाइडेंटेड है तो कितना डोनेट करेगा? उससे मल्टीप्लाई कर लो। ओके, एक बाइडेंटेड दो बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बना रहा है? चार इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये डिफरेंस को समझो, मोनोडेंटेड में एक मोनोडेंटेड लिगेंड, देखो ये लिख के हो गया, ये लिख लो। ओके, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मोनोडेंटेड लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए? एक बॉन्ड बनाता है एक मोनोडेंटेड, मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर तुम्हारे पास छः मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो कितना डोनेट करेगा? मल्टीप्लाई बाय टू कर देने का, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। लेकिन अगर उसने दे दिया कोई बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि C2O4 ऑक्सलेटो आयन, तो अगर उसने बाइडेंटेड लिगेंड तुम्हें दे दिया
कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तीन बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेट लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैंने बीच में बोला दो, दो क्या बोल रहा था मैं, दो बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड हो गए मल्टीप्लाई बाय फोर कर दो तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे अगर बाइडेंटेट लिगेंड का केस रहेगा तो। अगर कहीं ऐसा केस रहेगा बाइडेंटेट भी दिया है मोनोडेंटेट भी दिया है, तो बाइडेंटेट के लिए जितने लिगेंड है मल्टीप्लाई बाय फोर करो और मोनोडेंटेट के लिए जितने लिगेंड है मल्टीप्लाई बाय टू करो तो तुम्हें वाई का वैल्यू मिल जाएगा। अभी एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है, ये बस एक आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद बचा तुम्हारा एक्स जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो लिगेंड्स है वो लिगेंड्स के चार्जेस क्या है, मतलब साइनाइड आ रहा है तो कितना चार्ज लेके आ रहा है, अमोनिया होगा तो कितना चार्ज लेके आएगा, वाटर होगा तो कितना चार्ज लेके आएगा, ठीक है। तो कुछ मैं तुम्हें लिगेंड्स बता रहा हूँ, वो लिगेंड्स लिख लेना, ठीक है, वो तुम्हारे काम में आएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखना न्यूट्रल लिगेंड्स, सबसे पहले लिखना न्यूट्रल लिगेंड्स। अभी न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब ये कुछ फिक्स है, चार ही लिगेंड है अपने सिलेबस में न्यूट्रल लिगेंड में, कि अगर वो आए तो उनका चार्ज क्या आता है, उनका चार्ज आता है जीरो। तो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड है अमोनिया, उसके बाद आता है H2O, उसके बाद आता है EN, इथिलीन डायमाइड और एक CO, तो ये कार्बोनेट। तो ये चार लिगेंड्स ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या, इनके चार्जेस है जीरो, इनके ऊपर ना ही तो माइनस वन होता है ना ही माइनस टू होता है, नथिंग, ये चारों के ऊपर चार्जेस होंगे जीरो, तो इन्हें बोलेंगे अपन न्यूट्रल लिगेंड्स, ओके। अब बचे हुए बाकी के लिगेंड्स जैसे कि साइनाइड हुआ, ब्रोमीन हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, इनके चार्जेस क्या होंगे? तो देख लो, मैं साइनाइड, ब्रोमीन, क्लोरीन इन सब के तो तुम्हें पता है हैलोजन्स है तो माइनस वन चार्ज रखेंगे, ठीक है, साइनाइड भी माइनस वन रखेगा, सल्फेट अलग रखेगा SO4। अब मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ कुछ दूसरा लिगेंड जिसका नाम है अनायनिक लिगेंड, जिसका नाम है अनायनिक लिगेंड, ये तुम्हें टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, IUPAC के जस्ट ऊपर दिया है टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो वहाँ पे सॉरी लिगेंड्स के टेबल में दिया है कि अनायनिक लिगेंड्स के नाम क्या होंगे और लिगेंड के ऊपर उसके चार्ज भी लिखे हुए हैं। तो वो टेबल सिर्फ सजावट के लिए नहीं दिया है, ओके, तो उसका कुछ मतलब है, वो टेबल तुम्हें याद होना चाहिए। एक दिन में पूरा टेबल याद नहीं होता है, दो से तीन बार रीड करोगे तो डेफिनेटली यूज़ करते करते आदत हो जाएगी उसकी, ओके, तो याद हो जाएगा। तो देखो, ब्रोमीन के ऊपर लिखा होगा माइनस, मतलब उसका चार्ज कितना है, माइनस वन। फिर क्लोरीन के ऊपर भी लिखा होगा माइनस, मतलब वो है माइनस वन। उसके बाद में बचा आयोडीन, आयोडीन के ऊपर भी लिखा होगा माइनस वन, ओके। वैसे साइनाइड, साइनाइड के ऊपर भी लिखा होगा माइनस वन। वन मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब माइनस वन ही होगा, ओके, सिर्फ माइनस है मतलब उसके आगे वन ही होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ मिले SO4, तो SO4 के ऊपर हमेशा 2 माइनस होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें लिगेंड में SO4 लिख के दे देगा, लेकिन ये नहीं लिख के देगा कि 2 माइनस होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे लिगेंड में ब्रोमीन लिख के देता है, लेकिन ये नहीं लिख के देता कि उसके ऊपर माइनस वन होता है, तो वैसे सल्फेट के ऊपर माइनस टू होता है, इसे एक्चुअली सल्फेट टू बोलते हैं। सल्फेट वो आगे बताऊंगा IUPAC में इसका नेमिंग कैसे करना है, फिलहाल तो मुझे सिर्फ चार्ज से लेना देना है, तो पहले मैं तुम्हें चार्ज को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। तो SO4 के ऊपर कितना होता है, 2 माइनस होता है, तो एक सल्फेट कितना चार्ज लेके आएगा, माइनस 2 लेके आएगा, ओके। तो वैसे जो नॉर्मली यूज हो रहे हैं मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। फिर एक आता है C2O4 जो कि है ऑक्सालेट। C2O4 के ऊपर भी होता है 2 माइनस, कि एक C2O4 कितने माइनस लेके आता है, 2 माइनस लेके आता है, और एक CO3 भी 2 माइनस लेके आता है, कार्बोनेटो भी 2 माइनस लेके आता है। तो ये तीन ऐसे लिगेंड है जिनके ऊपर कितना माइनस आता है, इनके ऊपर आता है 2 माइनस, तो ये 2 माइनस वाले याद रख लो, बाकी सब है वो सब रहेंगे माइनस वन वाले। सिर्फ ये तीन ही लिगेंड ऐसे हैं जो कि माइनस टू वाले हैं, बाकी जितने भी लिगेंड आएंगे ये चारों, ये तीनों को छोड़ के, चार नहीं, ये तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी लिगेंड आएंगे वो सबके ऊपर क्या रहेगा, माइनस वन। इतना याद रख लेना, मैंने शॉर्टकट बता दिया कि तुम्हारे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं चार, ये चारों को याद कर लो, अमोनिया, H2O, EN एंड CO, और ये चारों को छोड़ के बाकी के जो तीन हैं, ये दो तीन जो कि SO4, C2O4 एंड CO3, इनके ऊपर होता है 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। अब ये चार और ये तीन, सात, ये सात को छोड़ के बाकी जितने भी आएंगे सबके ऊपर रहेगा माइनस वन। तो ये छोटा सा शॉर्टकट अगर तुम लोग याद रखोगे तो तुम्हें बेनिफिट होगा, किसका वैल्यू निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हेल्प होगा, डेफिनेटली हेल्प होगा, ठीक है। और ये एक्स का वैल्यू निकालना तुम्हें आना भी चाहिए, क्योंकि ये IUPAC रूल में भी फॉलो होता है, मतलब IUPAC रूल में भी एक्स का वैल्यू यूज़ होता है, ठीक है, तो वो तुम्हें पता होना ही चाहिए, ओके। तो चलो अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अपना फेवरेट एग्जांपल। हाँ, दूसरी चीज़, एग्जांपल लेने से पहले कि सपोज कर लो अपना जो भी वैल्यू आया, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम।
लेकिन वो कौन सा वैल्यू होगा, मैं चेक कैसे करूँगा कि वो वैल्यू स्टेबल है कि नहीं है, मतलब ये वैल्यू को चेक कैसे किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि मॉलिक्यूल इज स्टेबल और नॉट। तो मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना, जो भी तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस, टू एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ नोबल गैस, जो भी तुम्हारा नोबल गैस है, कौन सा वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ओके, तो इस इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस। तो अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, अगर वो वैल्यू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के इक्वल हो गया, तो समझ लेने का मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मतलब भी तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल। और अगर उसके इक्वल नहीं हो रहा है, अगर उसके इक्वल नहीं हो रहा है, जैसे कि क्रिप्टन का होता है 36 और तुम्हारा आंसर आया 35 34, मतलब भी वो EAN को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको 36 आना चाहिए था लेकिन आ नहीं रहा है, मतलब भी वो कंपाउंड स्टेबल नहीं है। तो अगर उसके एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के इक्वल होगा तो ही वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके चलो अब इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ, इसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलो एकदम फेवरेट एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें याद ही हो गया होगा K4Fe CN6, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे आयोनिक स्पीयर और कोऑर्डिनेशन स्पीयर को सेपरेट करना है, सबसे पहला काम ये होता है। तो यहाँ पे कितना तुम्हें पोटेशियम दिख रहा है, 4 पोटेशियम दिख रहा है, तो 4 टाइम्स पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 1 में आता है, मतलब पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, इसलिए मैंने ऊपर +1 एक ही बार लगाया, ठीक है, मतलब आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब +1 है। प्लस ये था तुम्हारा आयोनिक स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर को सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, FeCN6 टाइम्स। अब जितना प्लस है उतना यहाँ पे माइनस भी आएगा, मैंने वर्नर थ्योरी में बताया भी था तुम्हें, जितना प्लस है उतना माइनस भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब दिस इज ए न्यूट्रल, ये पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना आयोनिक स्पीयर पे प्लस है उतना ही कोऑर्डिनेशन पे माइनस भी होना चाहिए। तो इधर +4 कैसे आया, +1, तो +1 × 4 विल बी +4, तो यहाँ पे +4 है तो उसे बैलेंस करने के लिए -4। ओके अब आएगा साइनाइड, तो चेक करो साइनाइड कौन सा लिगेंड आ रहा है, ना ही तो ये न्यूट्रल में है, ना ही तो -2 चार्ज वाला है, मतलब इसका चार्ज कितना रहेगा, इसका चार्ज रहेगा -1। अब इसका चार्ज है -1 और मुझे फाइंड आउट करना है Fe का, और Fe का मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, X। अब ये X मेरे को फाइंड आउट करना है, अभी X कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखो ये X प्लस साइनाइड कितने टाइम्स आ रहा है चेक करो, 6 टाइम आ रहा है, ओके साइनाइड आ रहा है 6 टाइम्स, लेकिन ये एक साइनाइड का चार्ज कितना है, -1, तो 6 × -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी रहेगा इसके पावर में वो रहेगा इसके इक्वल्स टू में इसका आंसर, तो इक्वल्स टू क्या लिखोगे, -4, जो भी रहे प्लस रहे माइनस रहे फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू के इस साइड। ओके अभी तो मैथमेटिक्स का इक्वेशन बन गया, एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा, -4, ये -6 है उधर जाके बन जाएगा +6, तो दिस विल बी इक्वल्स टू +2, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया +2, ठीक है। चलो एक्स का वैल्यू अपने को मिल गया +2, तो इसको अपन लिख लेते हैं साइड में, एक बार वापस से चाहिए तो वीडियो को पीछे लेके जाओ और देख लो। ओके चलो तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं अपने को एक्स का वैल्यू, हाँ पहले तो लिख लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, Z − X + Y। अब इसमें अपने को जेड का वैल्यू तो पता है, क्यों पता है, क्योंकि जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या है Fe का, तुम्हें 30 तक एटॉमिक नंबर तो याद होना ही चाहिए भाई, तुम लोग 12th में हो अभी, ओके तो इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, इतना एटॉमिक नंबर तुम्हें याद है। Fe का वैल्यू क्या होगा, 26 होगा, नहीं याद है तो याद करो। ओके उसके बाद X, X का वैल्यू अभी अपन ने क्या निकाला, +2, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कौन है Fe, इसका आंसर देना है +2, तो X का वैल्यू आ गया +2। अब बचा कौन, Y, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। अब Y का वैल्यू कितना होगा, अब CN कौन सा लिगेंड है, दिस इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड, और एम्बीडेंटेड लिगेंड कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे कितना लिगेंड दिया है, 6, तो कितना डोनेट करेगा, 6 × 2 = 12, तो आंसर आ जाएगा 12। ओके फिर से सुनो, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ओके तो 6 लिगेंड कितना करेगा, 6 × 2 = 12। अभी सारे वैल्यूज EAN में पुट कर दो, तो EAN का वैल्यू क्या आ जाएगा, EAN = 26, और ये है माइनस, और X का वैल्यू है +2, और Y का वैल्यू है +12। चलो सॉल्व कर लो, प्लस माइनस विल बी -26 − 2 + 12, 26 − 2 = 24, 24 + 12 = 36। अब ये जो 36 आया, क्या ये किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, कौन से नोबल गैस से मैच कर रहा है, ये क्रिप्टॉन का
एटॉमिक नंबर है 36, नोबल गैस क्रिप्टॉन जो नोबल गैस है इसका एटॉमिक नंबर होता है 36, तो ये 36 से मैच कर रहा है। मैच कर रहा है मतलब ये ईएन रूल को फॉलो कर रहा है और के फोर एफ सी एन सी स्टेबल कंपाउंड है। क्लियर हुआ, ये तुम्हें समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है। अब मैं और तुम्हें एग्जाम्पल्स लेता हूँ तो चीज़ें और क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ NaCO4 का, तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे तभी ये चीज़ क्लियर होगी। टेक्स्टबुक में सिर्फ 3 से 4 एग्जाम्पल दिए, बट उतना करने से होता नहीं है, ठीक है। देखो अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ तुम्हें NaCO4, ओके। अब इसका देखना, जब तुम्हें ऐसा मिल जाए कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, आई मीन टू से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर है। इसका आयोनिक स्पीयर है ही नहीं, आयोनिक स्पीयर है ही नहीं मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कुछ चार्ज होता तो इसने लिखा होता है यहाँ पे, कुछ चार्ज +1 -1 +2 -2 कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये न्यूट्रल है, ओके, ठीक है। तो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास सिर्फ क्या हो, कोऑर्डिनेशन स्पीयर हो। अब आगे देखो, अभी यहाँ पे जो CO है, मैंने तुम्हें लिखाया था CO का चार्ज क्या होता है, CO आता है न्यूट्रल लिगेंड में, न्यूट्रल लिगेंड में इसका चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब यहाँ पे भी जीरो रहेगा। इसका वैल्यू x, तो x का वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, x कितना टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो 1 इंटू एक्स प्लस ये CO कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स, लेकिन ये चार्ज कितना लेके आ रहा है, जीरो, तो 4 × 0 इक्वल्स टू, ऊपर कुछ लिखा है नहीं लिखा है, नहीं लिखा है मतलब क्या कंसिडर करोगे, जीरो। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, चेक कर लो, तो x इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया जीरो। तो पॉसिबल है x का वैल्यू जीरो आ सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पॉसिबल है x का वैल्यू जीरो आना। आगे अब तुम्हें पता चल गया x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जीरो है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख दो EAN का, तो EAN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z - X + Y। तो एटॉमिक नंबर निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 माइनस एक्स का वैल्यू तुम्हें मिला जीरो प्लस अब कौन आएगा, वाई, वाई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। अब CO क्या है, CO इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो तुम्हारे पास कितने लिगेंड है, ऐसे चार लिगेंड है, चार है तो कितना डोनेट करेगा, 4 × 2 = 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 28 + 8 = 36। मतलब भी ये कंपाउंड भी क्या है, ये कंपाउंड भी स्टेबल है, इसका नंबर किससे मैच हो रहा है, क्रिप्टॉन से मैच हो रहा है। क्रिप्टॉन जो तुम्हारा नोबल गैस है उसका भी एटॉमिक नंबर होता है 36, तो ये क्रिप्टॉन से मैच कर रहा है, मतलब दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। तो ऐसे फाइंड आउट किया जाता है EAN रूल, और ऐसे यूज किया जाता है EAN रूल को टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर सपोज ऐसा एग्जांपल आता है लाइक दिस कि यहाँ पे दिया है CO, यहाँ पे दिया है NH3, यहाँ पे दिया है 6 times और इसके ऊपर दिया है, इसके ऊपर दिया है 3+। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो क्या करोगे, एकदम सिंपल है। अब चेक करो अमोनिया पहले कौन सा लिगेंड में आ रहा है, मैंने तुम्हें चार लिगेंड लिखा के देते न्यूट्रल, उसमें अमोनिया आ रहा है मतलब ये अमोनिया का चार्ज क्या होगा, जीरो। इसका वैल्यू एक्स अननोन है, अपने को फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर तुम्हें चार्ज लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखा होता तो जीरो कंसिडर कर लेते हैं, लिखा है तो वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी आगे चलो निकालो एक्स का वैल्यू, तो एक्स कितना टाइम आ रहा है, 1 time, तो एक्स इंटू 1 और यहाँ पे अमोनिया कितना टाइम आ रहा है, 6 times प्लस 6 और अमोनिया कितना चार्ज लेके आ रहा है, जीरो, इक्वल्स टू कितना है जो भी यहाँ पे रहेगा, मैंने पहले ही बताया प्लस माइनस वट एवर जो भी हो वो यहाँ पे लिख देने का, और कुछ भी नहीं हो तो जीरो आएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये तो जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू 6 × 0 जीरो और ये हो गया प्लस 3, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख देने का एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया प्लस 3। अब EAN रूल का फॉर्मूला, EAN क्या बोलता है, Z - X + Y। अब Z का वैल्यू मतलब कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 माइनस X, X का वैल्यू मिला अपने को प्लस 3 प्लस Y, Y मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो अगर तुम्हारे पास 6 लिगेंड है, अगर 1 2 कर रहा है तो 6 लिगेंड कितना करेगा, 6 × 2 = 12 करेगा, तो ये आ गया 12। तो कर लो सॉल्व, तो क्या बन जाएगा, 27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 3 प्लस 12, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 24 प्लस 12 इक्वल्स टू 36। मतलब ये भी किससे मैच कर रहा है, क्रिप्टॉन से मैच कर रहा है, क्योंकि इसका भी आंसर क्या आया, 36 आया, ये भी क्रिप्टॉन से मैच कर रहा है, क्रिप्टॉन का भी कितना होता है, 36 होता है, मतलब भी ये कंपाउंड क्या है, तुम्हारा एक स्टेबल कंपाउंड है।
समझ में आया कि EN को अप्लाई कैसे करते हैं। ये कुछ मैंने सिंपल से एग्जांपल्स लिए, अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेट वाले एग्जांपल्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। देखो जैसे कि अब मैं कोई बाइडेंटिट वाला एग्जांपल लेके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल ले लिया जाए, CO C2O4 यहाँ पे लिया है 3 times और इसके ऊपर चार्ज कितना दिया है, इसके ऊपर चार्ज दिया है -3। अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए तो क्या करोगे, कंफ्यूज नहीं होने का। C2O4 मैंने तुम्हें लिखाया है, जो बाकी के मैंने 3 ligand लिखाए थे जिसके ऊपर -2 चार्ज होते थे, उसमें से एक ये वाला है। C2O4 पे कितना होता है, -2 चार्ज होता है, ठीक है, ओके। और कोबाल्ट पे कितना होगा मुझे पता नहीं है, तो एक्स कंसिडर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलो अभी यहाँ पे क्या होगा, चेक करना x का वैल्यू 1 × x, मैं 1 क्यों ले रहा हूँ, कितने टाइम्स आ रहा है, 1 time आ रहा है ना, इसलिए 1 ही ले रहा हूँ, 1 × x। प्लस ये कितना टाइम आ रहा है, 3 times आ रहा है, लेकिन ये अकेला कितना चार्ज लेके आ रहा है, -2 का चार्ज लेके आ रहा है। जो भी चार्ज लेके आ रहा है वो लिख देने का, इक्वल्स टू ऊपर जो भी रहेगा वो लिख देने का -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 × 2 = 6, लेकिन प्लस माइनस विल बी माइनस, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू -3। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 -6 इधर आएगा, +6 इक्वल्स टू +3। x का वैल्यू कितना आ गया, +3 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया अपना +3, ओके। अब आगे EAN का फॉर्मूला क्या बोलता है, EAN इक्वल्स टू आता है Z - X + Y। अभी यहाँ पे चेक करो Z का वैल्यू कितना है, कोबाल्ट, कोबाल्ट मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 27, ओके। दिस इज नॉट 2, दिस इज Z, ओके, Z। तो यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना आता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आता है 27। उसके बाद में X, X का वैल्यू कितना आया अपना, X का वैल्यू आया +3, ओके, X का वैल्यू आया +3। अब बचा कौन, Y। तो Y के लिए चेक करो, Y मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। अभी ये C2O4 मोनोडेंटेट लिगेंड, सॉरी C2O4 इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। कौन सा डेंटेट लिगेंड है, इट इज अ बाइडेंटेट, ठीक है, वो गलती से मोनो बोल दिया, मोनो नहीं है। कौन सा डेंटेट लिगेंड है, इट इज अ बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट का मतलब वो दो बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4। मतलब ही एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे पास ऐसे कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड है, तो तुम लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 4 का क्या हो जाएगा आंसर, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मत कर देना, आदत होती है मल्टीप्लाई बाय 2 मत करना, गलत हो जाओगे, क्योंकि C2O4 इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 3 कितना करेगा, 3 4 जो 12 करेगा। बस इतना ही चेंज था, 27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 27 -3 इट विल बी इक्वल्स टू 24, एंड 24 प्लस 12 दिस विल बी इक्वल्स टू 36। मतलब ये भी क्रिप्टॉन से मैच कर रहा है और ये भी तुम्हारा स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया कि अगर C2O4 ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड आया तो हम क्या करेंगे, क्लियर हुआ ये चीज़, ओके। अब दूसरा टाइप भी ले लेता हूँ इसी में, जैसे कि अगर सपोज कर लो कि अगर तुम्हें मिक्स आ जाए, मिक्स का मतलब क्या कि बाइडेंटेड तो रही, साथ ही साथ तुम्हें मोनोडेंटेड भी दे दिया जाए, जैसे कि ब्रोमीन भी दे दिया और साइनाइड भी दे दिया, ऐसे तुम्हें कंपाउंड दे दिया और इसके ऊपर लिखा है -3, ओके, ऐसा कंपाउंड तुम्हें दे दिया जाए, तो अब क्या करोगे, अभी भी बात तो वही रहेगी। चेक करो C2O4 का कितना चार्ज होता है, -2, एक ब्रोमीन का कितना होता है, -1, और एक साइनाइड का कितना होता है, -1, ओके। इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, एक्स मेथड तो वही रहेगा, x कितना टाइम आ रहा है, 1 time, तो दिस विल बी 1 × x। ये कितना टाइम आ रहा है, C2O4 2 times, +2 × ये कितना चार्ज लेके आ रहा है, -2। इसके अंदर ब्रोमीन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1, और साइनाइड के नीचे भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, मतलब 1 time आ रहा है। तो कितना टाइम आ रहा है मल्टीप्लाई बाय कितना चार्ज लेके आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है मल्टीप्लाई बाय कितना चार्ज लेके आ रहा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर जो भी वैल्यू है, तो -3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेक करो, तो ये हो जाएगा x 2 to the 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस, -4 प्लस माइनस माइनस, 1 × 1 = 1 प्लस माइनस माइनस, 1 × 1 = 1 इक्वल्स टू -3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3, इसको इधर लेके आओ +4, इसको भी इधर लेके आओ +1 + 1, ओके। तो कितना बन गया ये, -3 4 5 6, तो +6, तो ये हो जाएगा +3। तो x का वैल्यू कितना आया, +3। समझ में आया कैसे चेक किया, एक बार वापस से चेक करो, नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा पक्का। तो x का वैल्यू कितना निकला अपना, x का वैल्यू निकला यहाँ पे +3, लिख दो। अब आगे की बात तो सेम है, तो EAN इक्वल्स टू Z - X + Y,
जेड का वैल्यू तो अपने को पता है, कोबाल्ट का 27, एक्स का वैल्यू पता चल गया +3, बचा वाई। अब चेक करना, यहाँ पे गलती मत करना कि ये है तुम्हारा बाइडेंटेट, मतलब ये चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऐसे कितने हैं, दो, तो 2 4s हो जाएगा 8, तो ये तो 8 अलग से आ गया। प्लस एक ब्रोमीन कितना डोनेट करेगा, दिस इज द मोनोडेंटेट लिगेंड, तो 2 डोनेट करेगा। साइनेट एम्बीडेंटेट है लेकिन बॉन्ड तो एक ही बना रहा है, मतलब ये भी 2 डोनेट करेगा, तो इसका 2 एक टाइम आ रहा है तो 2 ही करेगा, और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम आ रहा है तो ये भी टोटल 2 करेगा, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो 8 + 4 = 12, तो y का वैल्यू ही क्या बन गया, 12 बन गया। ये 12 कहाँ से आया, एक बार वापस से चेक करो, एकदम क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। फिर ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा 24 + 12 = 36, मतलब ये भी क्या है, स्टेबल है। तो अगर तुम्हारा कोई कंपाउंड का वैल्यू मैच नहीं होता है 36 से, जैसे 34 35 आ जाए, तो ये मत समझना तुम्हारा आंसर गलत है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, वो केस का मतलब ऐसा है कि वो कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ओके, तो अभी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक लिंक दिया होगा, क्लिक करो, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करो, मैं बता दूंगा राइट है रॉन्ग है। ओके, तो मुझे भी समझ में आएगा तुम्हें कितना क्लियर हुआ है। ओके, तो अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो पेज मैंने बोला तुम्हें IUPAC के ऊपर ही वो वैल्यू दिया हुआ है कि लिगेंड्स के नाम क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के नाम क्या होते हैं, वो एक बार देख लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, चलो, थैंक यू।